दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद रायपुर में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली चुनाव में जो नतीजे आए उसकी उम्मीद नहीं थी, जो सोचा था उसके विपरीत ही नतीजे आए हैं और इसको लेकर पार्टी स्वीकार करती है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता बीजेपी को हराना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस को जो वोट देना चाहते थे वह भी अंतिम समय में आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। जितना वोट पाया है 4% उससे कहीं ज्यादा वो कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते थे, लेकिन उनके मन में ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हर हालत में हराना है। तो जो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे वो भी अंतिम समय में वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए।